बलिदान के बाद कितने लोगों ने जान त्याग दिया, कितने वर्षों के संघर्ष के बाद झारखंड राज्य का सपना हमारे शिबू सोरेन के द्वारा किया गया। आंदोलनकारियों को आज भी चिन्हित किया जाता है कौन कौन झारखंड को अलग लिया। इतने कठिन तपस्या के बाद जब झारखंड अलग हुआ और एक बाहरी सांसद अत्यधिक उत्साह में अपने आला कमान को खुश करने के चक्कर में संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर में अनर्गल बयान देकर के कहीं ना कहीं झारखंड को तोड़ने का प्रयास किया। उनका यह कहना कि झारखंड के कुछ भाग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आप मनोनीत कीजिए तो कहीं ना कहीं झारखंड विरोधी बात दर्शाता है। जब जनता यहाँ त्राहिमाम था, बिहार विकास हरिवंश की बात आते नहीं थे, आज झारखंड अलग होने का देन है कि 24 जिले समाहित हुए और हर जिले में विकास की बराबर भाग पहुंच रहा है। यहाँ गरीबों को जनता के पास नेता मंत्री सारे लोग उपलब्ध होते हैं। एक दौर था जब बिहार में जब राज्य थे, बिहार की राजधानी थी, तो उस समय यहाँ के नेताओं के साथ साथ यहाँ के क्षेत्र को भी पशुतले व्यवहार किया जाता था। यहाँ के लोगों को पलामू को चिंता नहीं था, झारखंड के विभिन्न जिलों को पहचानता नहीं था। आज अगर निशिकांत दुबे जी भाषण भी दे रहे संघ संसद में, इसी झारखंड की जनता के द्वारा उनको जिताया गया था, लेकिन उन्होंने अपने गैर जिम्मेवारी बयान देकर के साहित किया कि झारखंड के ही लोग झारखंड का विकास कर सकते हैं, बाहरी लोग को भले आप जिता दीजिए, वो बाहरी सोच रखते हैं। निशिकांत जी के दिए गए बयान का पूरे झारखंड वासी मरमात है और यह साबित करते हैं कि झारखंड के जनता को ठगने का सिर्फ और सिर्फ काम किए हैं श्री निशिकांत दुबे जी, वरना ऐसा सलाह अपने केंद्र में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए नहीं देते। उन्हीं के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम के द्वारा, केंद्रीय कमेटी के द्वारा आज उनका पुतला दहन किया गया। एक सांकेतिक है, अपनी भाषा और अपनी मर्यादाओं का सम्मान नहीं करेंगे इससे ही बड़ा उग्र आंदोलन के खिलाफ किया जाएगा, ताकि भविष्य में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लें। झारखंड मर के लिया है, लड़ के लिया, और झारखंड को बचाने के लिए, मरने और लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही तैयार है। धन्यवाद।